नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वायलिन के इस नए लेसन में। और आज हम सीखने वाले हैं आपकी नजरों ने समझा, बड़े ही सरल और सहज तरीके से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेसन को, इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन दबा के प्रेस भी, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले और सही समय पर मिल जाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे लेसन सिखा रखे हैं, जाइए जाके देखिए मेरे चैनल पे, आपको बांसुरी के बहुत सारे लेसन मिल जाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेगी। जरूर देखिएगा, सीखिएगा, खूब सीखिएगा और एक अच्छा स्टूडेंट बनिएगा। और जो अच्छा स्टूडेंट है वो अच्छा इंसान भी है। क्यों है थोड़ा विचार करना, कमेंट बॉक्स पर लिखना, ठीक है, मेरी इस लाइन का क्या मतलब है, कितनी गहराई से बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने अपने वायलिन को पसा ट्यूनिंग में सेट कर रखा है। सी स्केल है, सी स्केल, ठीक है, ट्यूनिंग की जानकारी नहीं, स्केल की जानकारी नहीं, तो मैंने बहुत कुछ सिखा रखा है, जाइए देखिए सीखिए, ठीक है, आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इसके लेसन्स मिल जाएंगे। अच्छे से सीखिए, पेशेंस से सीखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, है ना, ताकि आपके व्यक्तित्व के अंदर भी निखार आए और आपके संगीत में भी, और विश्वास रखिए। चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सितार का संगीत आता है, इंट्रोडक्शन म्यूजिक, टंग 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 टंग, ठीक है। तो इसके स्वर क्या है, ग म प नी ध, वापिस बोल रहा हूं, ग, दिख रहा है ना, देखो मैं एकदम कैमरा पास में ले आया, मेरा बस चले तो मैं ऐसे बाहर प्रकट हो जाऊं आपके सामने, बोलूं सीखो चुपचाप बैठ के, दूसरे काम छोड़ दो, सीखो 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 और सीखते रहो, ठीक है। ग म प ग म प नी ध, आप इस देखेंगे ध्यान से, ग म प ग म प नी ध, उसके बाद गाना शुरू होता है, आपकी नजरों नी ध ध ध नी प ध ध प ग ग, ध्यान से देखना, नी ध ध ध नी प ध ध प ग ग, सा सा रे नी नी ध ध प प ध सा नी ध प म प ध, इसको आपको दो बार प्ले करना है। तो नी ध ध ध नी प ध ध प ग ग, सा सा रे नी नी ध ध प प ध सा नी ध प म प ध, नी ध ध ध नी प ध ध प ग ग, सा सा रे सा 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 रे नी नी ध ध प प ध सा नी ध प म प ध। उसके बाद जो तीसरी लाइन है उसमें थोड़ा सा चेंज है, सा रे सा नी रे सा नी ध नी प ध ध नी प ध ध, ठीक है, सा नी रे सा नी ध, पतला वाला तार, सा नी रे सा नी ध नी प ध ध नी प ध ध। अब एक बार मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, कैमरे को थोड़ा नीचा किया है ताकि आपको मेरी फिंगर्स भी दिख पाए बजाते हुए, ठीक है, और कोशिश करूंगा लेकिन सर थोड़ा कट जाएगा, अभी इंस्ट्रूमेंट ही हमारा ऐसा है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी तो क्या है कि छोटी सी होती आ जाती है, इसको बड़ा तामझाम करना पड़ता है, ठीक है, देखना अभी थोड़ा सा और कैमरे को पीछे कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ओहो, आपको सिखाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है भैया, गिरना मत कैमरे, चलो स्टार्ट करें। अब इसको और आप कैसे सुंदर प्ले कर सकते हैं, देखो पहले बेसिक तैयार करना, सीधे ये ऑर्नामेंटेशन वाला तैयार मत करना, जब तक बेसिक तैयार नहीं हो जाए तब तक ये वाली चीजें नहीं यूज करोगे, वादा करो मुझसे, ठीक है, वादा करना कि जब तक बेसिक तैयार नहीं हो जाएगा सुर में, तब तक हम दूसरी चीजें नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले जितना सिखाया उसको अच्छी तरीके से सीखेंगे,
नहीं तो सब वेस्ट जाएगा। नी धा धा धा। तो अभी नी जब ले रहे हैं तो हल्का सा हमको ऐसे करना है साको टच, तो उससे इफेक्ट क्या निकलेगा। तरा तरा तरा, ये ऐसे छू के वापस आना है, ठीक है। छू के वापस आना है तो निशानी हो गया, ये फटाफट से करना है, ये और वो चलेगी सीधे ऐसे। तो ठीक है, तो तारा रा रा नी धा 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 नी पदा, और थोड़ा सा स्लाइड भी कर सकते हो धा पे, पदा धा धा पगा गा। अभी मैं पग ऐसे कर सकता हूँ ये स्लाइड में, तो कैसे, नी धा 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 नी पदा धा पगा गा। जो मैंने प्ले किया था अभी कुछ देर पहले, सुनना उसको ध्यान से, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसा साउंड आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद फिर प्यार तो ऐसे लेना है, ये तो धसा ऐसे करना है, थोड़ा स्लाइड करना है, ठीक है। तो कैसा आवाज निकलेगा, प्यार, ठीक है। और उसके बाद जब हम रिपीट कर रहे हैं कि सा सा रे नी नी धा, देखो मैंने सा क्लोज्ड सा लिया है ना, पहले बेसिक तैयार करना ओपन सा, उसके बाद ये क्लोज का प्रैक्टिस करना। तो सा सा रे नी नी धा धा पा पा, क्या किया देखो ध्यान से, सा सा रे नी नी धा, रे ऐसे लिया मैंने कच्चे फिंगर से, सा सा रे नी नी धा धा पा पा, धा सा नी धा पा मा पा धा। चाहो तो और एडवांस लेवल पे जाना है तो इसको एक ही फिंगर से लो, दसा नी धा पा मा पा धा, इस पूरे को एक फिंगर से लो, तो कैसी आवाज निकलेगी, ऐसे कोई गा रहा है। सुना, और सिंपल प्ले करता तो मैं, सिंपल प्ले किया है ना, और अभी थोड़ा सा मैंने जब उसको लगातार वो के साथ किया और साथ में मैंने जो सिखाया वो किया, तो उसके बाद आगे सीखते हैं जो बीच का म्यूजिक आता है वो भी सीख लो, तो नी सरे नी धा धा ग धा नी सा धा ग ग रे, नी सा रे नी धा ग ग धा नी सा धा ग ग रे प म ध प। आहा, अब देखो तीव्र में आएगा ये, आहा क्या आ चल रही है, प म ध प ग सा ग मा, इसमें तीव्र म भी आ रहा है, मतलब ये जो हम म प्ले करते हैं इससे ऐसे ऊंचा, सारे गम करते हैं ना सारे गम, तो ऐसे म की बजाय ये वाला म, तो प म ध प ग सा ग म प प नि ध नि प ध म प ग, और यहाँ पे शुद्ध म भी आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ तीव्र म कहाँ शुद्ध म। वापस रिपीट कर रहा हूँ, नी सरे नी धा धा ग धा नी सा नी धा ग ग रे प म ध प ग सा ग म प प नि ध नि प ध म प ग। फिर उसका अंतरा, आपकी मंजिल हूं मैं, तो धा नी धा प म ध प म ग, देखो दोनों मध्यम आए हैं ध्यान से देखो, धा प ध सा नी धा प म ध प म ग,
गमा धा पा पा ग सा सा पा मा ग ग सा नी पा धा धा नी पा धा दा सा नी धा पा मा ग गमा धा पा पा ग सा ऐसे मींड लो और उसको फीलिंग अच्छी आएगी। प ग सा ग प ग सा नी सा प म म ग म प ध नी ध नी नी सा नी ध प म प प सा नी रे नी ध प म प प सा नी रे सा नी ध ध नी प ध ध। ठीक है, एक साथ पूरा बोल दिया मैंने, इसको थोड़ा धीरे धीरे करके पीछे करके सुन लेना। वापस रिपीट करूंगा तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं वीडियो को लेंथ में देख के बता रहा हूँ आपको, अभी मैं जो बजा रहा हूँ उसको सुन लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अंतरे का तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ फास्ट फास्ट लग रहा है तो आप इसको पीछे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, थोड़ा स्लो स्पीड करके देख सकते हैं, रिपीट कर सकते देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बीच में बजा बजा के भी दिखाया और मैं बहुत जल्दी आपको इसका अच्छा सा कवर बना के भी दिखाऊंगा, पक्का ये प्रॉमिस कर रहा हूं मैं। क्योंकि मेरा एक्चुअली भी पिकअप जो है मेरे वायोलिन का वो ख़राब हो गया है, तो मैंने नया मंगवाया है और मेरा एक बहुत ही अच्छे मित्र है जो मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, वो तो उसका इंतज़ार है। वो आते ही फिर मैं ये बजा के दिखाऊंगा आपको मेरे अच्छे स्पीकर के साथ कनेक्ट करके, ताकि आपको भी अच्छी आवाज़ आ पाए। ठीक है, और उससे आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुन लेना। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो मैंने स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखा है और मैं खूब बार बोलता हूँ ये गलती मत करो, तो भी वो नहीं मानते। ठीक है, बहुत मुश्किल है इसको सही करना। गलती क्या है कि वो ना हर स्वर को अलग अलग बो के अंदर प्ले करते हैं। जबकि करना क्या होता है कि इतना आपको लंबा बो दिया है तो उसको थोड़ा आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, और भी अच्छा बज सकता है। देखो मैं प्रैक्टिस इस पर कम करता हूँ क्योंकि मेरा जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बांसुरी है ना, मुझे समय नहीं मिल पाता रियाज करने का। लेकिन जितना जितना हो सकता है मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे भी अच्छा बजाएं। ठीक है, मुझसे भी अच्छा बजाएं और बहुत अच्छा बज सकता है। मैं तो कुछ भी अच्छा प्ले नहीं करता, बहुत अच्छा बज सकता है, बस आपको सिंसियरली रियाज करना है। ठीक है, मैं आपको गाइड करते रहूँगा कैसे कैसे करना है। अगर आप करते रहोगे तो आप बहुत अच्छा वायलिन बजाना सीख जाओगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। ठीक है, दूसरी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो स्वर चेक नहीं करते। मान लो बस बजाना स्टार्ट कर दिया, उनको पता है कि यहाँ पे नहीं बजता है, यहाँ पे धा बजता है, वो भूल जाता है कि भाई तार उतरे हुए भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ट्यूनिंग भी चेक कर लेना, ट्यूनिंग चेक कर लेना, फिर स्वर चेक कर लेना, स्वरों की पोजिशन कि हम सही ग प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। चौक से मार्क कर लेना, जो होती है ऐसी इंक से मार्क करना जो वापस मिट जाए। हल्के से हमें साइड में मार्किंग कर देंगे हम, कि हमको आइडिया मिल जाए कि भाई ये सही स्वर का साइन है, यहाँ पे सा लग रहा है, यहाँ पे रे लग रहा है, हल्का हल्का हमने मार्क कर दिया, तो जिससे हमारी फिंगर्स सही जगह पड़े, आवाज़ भी सही सुर निकले, सही सुर के आसपास निकले। और साथ में क्या हो कि हम सही सही प्रैक्टिस करें। मान लो गलत स्वर के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर वो कभी सही नहीं हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सालों बीत जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत से ही
जब भी बजाओ, कुछ भी बजाओ, पहले ट्यूनिंग चेक करो, सबसे पहले फाइन ट्यूनिंग चेक करो, ट्यूनिंग परफेक्ट हो तो स्वर चेक करो, जो भी आप प्ले कर रहे हो उसको मार्क करो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो टुकड़ों के अंदर, समझ गए ना। और तीसरी बात कि खुद विचार करो कि किस जगह पे किस फ्रेज में आपको ऐसे कट बो चला सकते हो, किस जगह आप पूरा लंबा बो चला सकते हो, समझे। मैंने एक आकार का लेसन सिखाया था, वो बहुत काम का लेसन है वायलिन के स्टूडेंट्स के लिए, वो एक चाबी है, ठीक है। उस चाबी को अगर आपने सही तरीके से खोलना सीख गए तो आपको बहुत सारा खजाना उसके अंदर से निकल जाएगा, तो वो भी उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा। और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाओ, आओ मेरे एकेडमी के पेज पे, मेरे एकेडमी का ऑफिशियल पेज भी है, ठीक है, संगीतमय चिन्मय नाम से है, उसमें मेरी ऑनलाइन म्यूजिक एकेडमी की आपको हर डिटेल मिल जाएगी, है ना, अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं उसमें भी सिखाना स्टार्ट करूँगा, शॉर्ट लेसन्स डालना स्टार्ट करूँगा, थोड़े थोड़े क्लासिकल के भी डालना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस भी करने वाला हूँ मैं उसके ऊपर, तो उससे जुड़िए आके, ताकि मुझसे और आप बात से जुड़ सके। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ सिस्टमेटिक होने का, और आप भी साथ दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही मेरा साहस है, ठीक है। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, वायलिन बांसुरी बजाते रहे, खुशी से नाचते रहे, आनंद में रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद और जय भारत।